हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। मेरा नाम पुष्पांजलि है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी डेडलॉक हैंडलिंग के बारे में, डेडलॉक को हैंडल करने के जो बेसिक मेथड होते हैं उनके बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बैंकर्स एल्गोरिथम होता क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका क्या रोल है। बैंकर्स एल्गोरिथम एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसको हम डेडलॉक अवॉइडेंस और रिसोर्स एलोकेशन में यूज़ करते हैं। इसको हम कभी कभी डिटेक्शन एल्गोरिथम भी कहते हैं, क्योंकि यह एल्गोरिथम डिटेक्ट करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सिस्टम में डेडलॉक है कि नहीं है। बैंकर एल्गोरिथम को डेवलप किया था एजर डिस्कस्टा ने। इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ रिसोर्स एलोकेशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। इट इज़ अ डेड ये क्या है आपका रिसोर्स एलोकेशन और डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है। मीन्स क्या, यहाँ पे आप रिसोर्स को एलोकेट करते हैं और डेडलॉक अवॉइडेंस भी आपका इसी एल्गोरिथम के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एल्गोरिथम किस में यूज़ होता है, डेडलॉक अवॉइडेंस में, रिसोर्स एलोकेशन में। इसको इट इज़ समटाइम्स रिफर्ड टू एज डिटेक्शन एल्गोरिथम। मीन्स आपका डिटेक्शन एल्गोरिथम भी इसको कभी कभी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं, इट इज़ डेवलप्ड बाई एजर डिस्कस्टा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसको डेवलप किया था एजर डिस्कस्टा ने। अब देखिए, इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जब कोई प्रोसेस सिस्टम में एंटर होता है, जब मान लीजिए कोई प्रोसेस है पी आपका, जब सिस्टम में एंटर होता है तो उसे जिस भी रिसोर्स टाइप की ज़रूरत है, मान लीजिए कोई रिसोर्स इसको चाहिए है आर, उसकी ज़रूरत है, तो उसके टाइम पे उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस डिक्लेयर करना होगा। मींस आपको आर के कितने इंस्टेंस चाहिए, मींस कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज आपके आर को चाहिए है आपके प्रोसेस को, ये आपको पहले से डिक्लेयर करना होगा। और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम, वो मैक्सिमम नंबर आपका क्या होगा, सिस्टम के टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज से हमेशा कम होना चाहिए। और जब प्रोसेस को सारे रिक्वेस्टेड रिसोर्स मिल जाएं, तो उसने रिसोर्स जो रिक्वेस्ट करी थी वो सारे रिसोर्स अब जब मिल जाएं, तो वह प्रोसेस एक लिमिटेड टाइम में ही अपना एग्जीक्यूशन करके उस रिसोर्स को रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में। अब जानते हैं इससे रिलेटेड कोई जो एग्जाम्पल है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम। अब बैंकर्स एल्गोरिथम में क्या होगा कि आपको पहले से यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी, क्योंकि ये डेडलॉक अवॉइडेंस से रिलेटेड है। तो आपका जितने नंबर ऑफ रिसोर्स एलोकेट हुए होंगे आपके प्रोसेस को सिस्टम में, जितने नंबर ऑफ रिसोर्स एलोकेट हुए होंगे यहाँ पे एलोकेशन में आप उसको शो करेंगे। जैसे P1 को A का 0 इंस्टेंस मिला है, B का 1 इंस्टेंस मिला है और C का 0 इंस्टेंस मिला है, तो ये आपका एलोकेशन ये आपका शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स कितने हैं। आपका यहाँ पे A का 10 रिसोर्स है, A के 10 इंस्टेंस हैं, आपके 3 रिसोर्स इसमें यूज हुए हैं सिस्टम के, A रिसोर्स, B रिसोर्स और C रिसोर्स। अब A के कितने इंस्टेंस हैं, 10 इंस्टेंस हैं। इंस्टेंस मतलब क्या, कितने नंबर ऑफ आपके ये रिसोर्स अवेलेबल हैं सिस्टम में। तो A रिसोर्स आपका कितना है सिस्टम में है, 10 रिसोर्स है, 10 नंबर ऑफ आपका A रिसोर्स है। फिर आपका B कितना है, 5 नंबर ऑफ इंस्टेंस हैं। ठीक है, बी का आपका 5 इंस्टेंस सिस्टम में अवेलेबल है। फिर आपका सी का जो है आपका 7 इंस्टेंस सिस्टम में अवेलेबल है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। आपका प्रोसेस है, प्रोसेस आपका कितने लिए गए हैं, 5 लिए गए हैं, P1, P2, P3, P4 और P5। एलोकेशन में आपका क्या है कि A को कितना एलोकेट हुआ है P1 को, तो देखेंगे यहाँ पे P1 को एक टाइम पे A का 0 इंस्टेंस मिला है, मीन्स कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पे मैक्सिमम नीड है, मींस आपका प्रोसेस को कितनी मैक्सिमम नीड है अभी। ये तो हो गया आपका एलोकेशन, जितना एलोकेट हुआ है प्रोसेस को रिसोर्स, और यहाँ पे आपकी कितनी मैक्सिमम उसको कितना चाहिए है, ये सारा आपका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे अवेलेबल है, अवेलेबल का यहाँ फॉर्मूला मैंने दिया है। अवेलेबल कितना होगा,
कि जितना टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स है आपका, ठीक है, वो टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स में से जब आप एलोकेटेड रिसोर्स माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, अवेलेबल आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स आपके यहाँ पे देख लेंगे क्या है कि ए का कितना रिसोर्स है, आपका टोटल 2 + 3 + 2 आपका 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे बी का कितना टोटल रिसोर्स एलोकेट हो चुका है, 2 रिसोर्स एलोकेट हो चुका है, और सी का कितना एलोकेट हो चुका है, 5 रिसोर्स एलोकेट हो चुका है, ठीक है। तो पूरा टोटल कितना एलोकेट हो गया, 7 to 5। तो यहाँ पे आपका अवेलेबल निकाल लेंगे, तो अवेलेबल क्या हो जाएगा आपका, टोटल रिसोर्स कितने हैं माइनस एलोकेटेड रिसोर्स। टोटल क्या है, ए का 10 है, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3। बी का 5 है, 5 में से आपका 2 माइनस हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा, वापस ये 3 बचेगा। और आपका यहाँ सी आपका है, सी का 7 है, और 7 में से जब आपका 5 माइनस होगा तो यहाँ कितना बचेगा, 2। तो अवेलेबल में आपका कितना आ गया, 3, 3, 2। नेक्स्ट आपका है रिमेनिंग नीड। अब रिमेनिंग नीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, रिमेनिंग नीड का यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका, मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन, मींस आपकी जितनी मैक्सिमम नीड है उसमें से एलोकेशन को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रिमेनिंग नीड। यहाँ से माइनस करते हैं, 7 - 0 आपका क्या हो गया, 7 हो गया, और यहाँ पे 5 - 1 कितना हो गया, 4 हो गया, और 3 - 0 हो गया आपका 3। ऐसे यहाँ निकाल लेंगे, 3 - 2 हो गया आपका 1, और यहाँ पे हो गया आपका 2 - 0 2, और 2 - 0 2। ऐसे ही सबको लिख लेंगे माइनस कर करके, 9 - 3 6, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 0 - 0 0, और 2 - 2 0, फिर यहाँ पे निकलेंगे आप 2 1 और 1, फिर हो गया आपका 5 3 और 1। अब यहाँ पे हो गया आपका रिमेनिंग नीड, मीन्स आपका मैक्सिमम नीड कितनी थी और एलोकेट करने के बाद आपकी रिमेनिंग नीड कितनी बची हुई है। तो रिमेनिंग नीड आपकी जो बची हुई है, आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या उसमें से रिमेनिंग नीड आपकी किस प्रोसेस की आपकी फुलफिल हो सकती है, जिसकी भी हो सकती है उसकी हम क्या करेंगे, एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ है इसके, मैं आपके सामने मैं लिख लेती हूँ कौन कौन सा प्रोसेस है ताकि क्लियर रहे। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा कि P1 में आपका 743, अब यहाँ पे चेक करेंगे, एक एक के लिए चेक करेंगे, हमारे पास अवेलेबल है A का 3 इंस्टेंस है, B का 3 इंस्टेंस है, C का 2 इंस्टेंस है। तो यहाँ देखेंगे, चेक करेंगे, सबसे पहले P1 का चेक करते हैं। तो A का हमारे यहाँ पे कितनी नीड है, रिक्वायरमेंट कितनी है, A के 7 इंस्टेंस चाहिए, हमारे पास तो 3 ही हैं, बी का 4 इंस्टेंस चाहिए, हमारे पास 3 ही हैं, और सी का 3 इंस्टेंस चाहिए तो हमारे पास 2 ही है। तो यहाँ पे हम इसकी नीड हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। तो यहाँ पे ए का 1 इंस्टेंस चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 3 अवेलेबल है, मतलब एक्स्ट्रा ही है। और यहाँ पे क्या होगा आपका, बी का 2 इंस्टेंस चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास 3 अवेलेबल है, यहाँ भी एक्स्ट्रा है। और यहाँ पे सी का 2 इंस्टेंस चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास 2 अवेलेबल है। तो मतलब इसकी आपकी कंडीशन ये फुलफिल हो सकती है, ये रिसोर्स आपका ये नीड आपकी पूरी हो सकती है इस अवेलेबल के थ्रू। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे इस रिसोर्स ये सारी रिमेनिंग नीड आपकी पूरी हो जाएगी, और यहाँ पे P2 को आप एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो P2 को एग्जीक्यूट कर लेंगे तो आपका P2 जब रिसोर्स रिमेनिंग नीड को आप रिमेनिंग जो रिसोर्स है आपका जब फुलफिल हो जाएगा उसकी नीड, तो क्या करेगा, प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो जाएगा। जब टर्मिनेट हो जाएगा तो क्या होगा, इससे इसने जितना आपका रिसोर्स होल्ड करा है वो सारे आपके रिलीज हो जाएंगे। तो रिलीज हो जाएगा तो कितना रिलीज हो जाएगा, ये सारा जो रिलीज होगा वो वापस आपका अवेलेबल में ऐड हो जाएगा। तो अवेलेबल में ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 0 और 0, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 0 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 + 0 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ए के 5 इंस्टेंस हो गए, बी के 3 इंस्टेंस हो गए, और सी के 2 इंस्टेंस हो गए। अब नेक्स्ट चेक करते हैं हमारा P3 के लिए।
पी3 के लिए देखते हैं तो यहाँ पे हम एक का 6 इंस्टेंस चाहिए जबकि हमारे पास 5 ही है, तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आप दूसरे दोनों के लिए देखेंगे तो वहाँ पे अगर कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपका रिसोर्स तीनों ही आपके मैच होने चाहिए, ठीक है, तीनों रिसोर्सेज के लिए आपकी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जो कि आपके यहाँ हो ही नहीं क्योंकि यहाँ पे 5 ही रिसोर्स अवेलेबल है एक के और यहाँ पे 6 चाहिए हैं। तो नेक्स्ट के लिए हम देखते हैं तो नेक्स्ट का यहाँ एक का 2 इंस्टेंस चाहिए जबकि यहाँ पे हमारे पास 5 है एक्स्ट्रा है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। फिर देखते हैं हम बी का 1 इंस्टेंस चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 3 है, सी का 1 इंस्टेंस चाहिए, यहाँ पे 2 है, तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे P4 को भी आप रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो हम P4 को रिसोर्स प्रोवाइड कर देंगे और ये आपका रिसोर्स पा के आपका क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, रिसोर्स पा के टर्मिनेट हो जाएगा, सॉरी, और उसके बाद आपका टर्मिनेट हो जाएगा तो बाकी इससे रिलेटेड जितने रिसोर्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे, तो ये रिसोर्स रिलीज़ होके आपका अवेलेबल में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे अवेलेबल में ऐड कर देती हूँ 2 1 1 ऐड होगा तो 7 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो हमारे पास अब 7 4 3 हो गया, ठीक है, अवेलेबल। अब देखते हैं नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं P5 के लिए, तो A का 5 इंस्टेंस चाहिए, हमारे पास 7 है तो ये कंडीशन ठीक है। अब सेकेंड के लिए चेक करते हैं तो हमारा हो जाएगा 3 के लिए 5, B के लिए 3 चाहिए जबकि हमारे पास 4 है और C का 1 चाहिए, हमारे पास 3 है, तो ये भी कंडीशन आपका, यहाँ भी रिसोर्स हम अवेलेबल करा सकते हैं इसको, ठीक है, रिमेनिंग नीड फुलफिल हो सकती है P5 की, तो यहाँ रिमेनिंग नीड P5 की फुलफिल कर देंगे। अब ये प्रोसेस आपका P5 टर्मिनेट हो जाएगा आपका अपना कंडीशन फुलफिल करके और यहाँ पे जितने रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे और अवेलेबल में ऐड हो जाएंगे। अवेलेबल में ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 2, अब क्या होगा आपका 8 4 और 5 आ गया, सॉरी 7 7 4 और 5 आ गया, ठीक है। अब P5 भी हो गया, P4 भी हो गया, P5 भी हो गया। नेक्स्ट फिर वापस जाएंगे हम P1 के पास, अब चेक करते हैं P1 आपका सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, आपका रिसोर्स इसकी नीड पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। यहाँ चेक करेंगे A के 7 इंस्टेंस चाहिए, हमारे पास 7 है, ठीक है, B के 4 चाहिए, हमारे पास 4 हैं, फिर C के 3 चाहिए, हमारे पास तो 5 हैं, ठीक है, तो यहाँ भी आपकी P1 की भी सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, आपकी नीड फुलफिल हो जाएगी, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा एग्जीक्यूट और यहाँ से आपका P1 भी अपना रिसोर्स रिलीज कर देगा और अवेलेबल में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0 1 0, तो यहाँ हो जाएगा 7 5 और 5। अब बारी आती है P3 की, P3 में क्या है आपका एक कितने चाहिए, 6 इंस्टेंस चाहिए और बी के कुछ भी नहीं, सी के भी कुछ भी नहीं, तो एक के 6 इंस्टेंस चाहिए, यहाँ पे हम इसको दे देंगे और यहाँ पे इसकी भी नीड फुलफिल हो गई रिसोर्स की और यहाँ पे आपका ये टर्मिनेट हो जाएगा P3 भी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा ये P3 भी आपका रिलीज कर देगा रिसोर्स, तो आपका हो गया 3 0 2, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया अवेलेबल में 3 0 2 और यहाँ पे पूरा हो गया आपका 10 5 और 7, जो कि हमारी एक्चुअल जितने रिसोर्स थे सिस्टम में वो ही आपके अवेलेबल हो गया। मींस आपका यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपके जितने रिसोर्स आपके थे वो वापस, जब सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए, उन्होंने अपना रिसोर्स रिलीज कर दिया तो वापस उतने रिसोर्स आपके वापस आ गए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया आपका, ये है आपका बैंकर्स एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हमने दो स्टेट देखे आपका, ये आपका क्या है कि सारे आपके प्रोसेस एग्जीक्यूट भी हो गए, ठीक है, आपके रिसोर्स भी इनको अवेलेबल हो गए और ये एग्जीक्यूट भी हो गए, मींस क्या यहाँ पे एक डेडलॉक नहीं है। तो दो स्टेट होती हैं यहाँ पे आपकी, सेफ एंड अनसेफ। तो यहाँ कौन सी कंडीशन है आपकी, सेफ की कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे सारे प्रोसेस इजिली एग्जीक्यूट हो गए, डेडलॉक अकर नहीं हुआ, तो ये कौन सा स्टेट में है, सेफ स्टेट में है, ठीक है। और यहाँ पे इनका प्रोसेस का क्या आपका सीक्वेंस था, पहले था हमारा कौन सा एग्जीक्यूट हुआ था, P2, फिर हमारा हुआ था कौन सा, P4, फिर हुआ था हमारा P5, फिर हुआ था हमारा P1 और देन हुआ था हमारा P3, ये आपका सेफ सीक्वेंस है, ठीक है। यही था आपका बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो इसको ज़रूर लाइक करें, और अब तक अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।